नमस्कार। आज हम उस मोड पर हैं जब अनंतनम को प्रारंभ हुए 1 महीने से भी अधिक समय हो चुका है और राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्वार्ध वर्ष के विद्यार्थी आनंदम परियोजना से जुड़कर अनेकों प्रकार की गतिविधियां व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर कर चुके हैं। आज का मेरा ये वीडियो जिसमें मैं आनंदम परियोजना से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे रहा हूं, निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिन्होंने आनंदम परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया है। अपनी बात रखने से पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि आनंदम परियोजना के लिए अधिकतम 100 अंक है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति प्रदान करना, पढ़ाई के बोझ से मुक्ति प्रदान करना और उनको आनंद देने वाले विभिन्न कार्यों और गतिविधियों से जोड़ना है। एक कहावत है कि व्यक्ति अगर केवल पढ़ाई करे, किताबों से में जुड़ा रहे, किसी प्रकार का मनोरंजन न करे, तो उस स्थिति में एक विद्यार्थी एक स्तर पर पहुंचकर ऊब जाता है। आनंदम के पीछे एक विचारधारा छिपी हुई है, एक सोच छिपी हुई है कि व्यक्ति जब अपनी पसंद का कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसे आनंद की अधिक अनुभूति होती है और जब उस पर किसी कार्य का बोझ थोपा जाता है या लादा जाता है तो उस कार्य को करने से उसको उतना अधिक आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है। राजस्थान राज्य सरकार ने आनंदम परियोजना महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के उन विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू की है जो स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात स्नातकोत्तर पूर्वार्ध वर्ष में अध्ययनरत है। उन विद्यार्थियों के लिए ये अनिवार्य विषय है और इस परियोजना के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी हैं अर्थात जो स्नातक द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में हैं या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अलावा पूर्वार्ध नहीं उत्तरार्ध में हैं तो उनके लिए भी ये विषय है, परंतु अंतर इतना है कि उनको कार्य के बदले में आनंदम परियोजना से जुड़ने के बदले में एक सराहना प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें उनके कार्य की सराहना की जाएगी। आनंदम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम समझें। आनंदम परियोजना की अवधि 3 माह है।
आनंदम परियोजना 20 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो चुकी है तथा यह परियोजना 20 फरवरी 2021 तक चलेगी। आनंदम परियोजना के अंतर्गत दो प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अधिकतम अंक 100 है। ये 100 अंक तब मिलेंगे जब एक विद्यार्थी दोनों प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होता है। पहली गतिविधि व्यक्तिगत गतिविधि है जो प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत स्तर पर संपादित करनी है। व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन कोई न कोई विशिष्ट आनंदित करने वाला कार्य करना होगा। हम कार्य तो बहुत करते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमको आनंद प्रदान करते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमको आनंद प्रदान नहीं करते। तो हम ध्यान रखें कि इस परियोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक दिन कोई ना कोई आनंदित करने वाला अर्थात आनंद प्रदान करने वाला कार्य करने होगा। विद्यार्थियों को उस कार्य का विवरण किए गए कार्य के फोटो के साथ प्रतिदिन के हिसाब से फाइल में लिखना होगा। ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वह उस विवरण को कितनी बड़ी कितनी पंक्तियों में लिखता है, परंतु फिर भी कोशिश करें कि कार्य का विवरण कम से कम 8 से 10 पंक्तियों में अवश्य हो। कार्य का नाम, क्या कार्य किया गया, कहां किया गया, कब किया गया, उस कार्य से आनंद की क्या अनुभूति हुई और उस कार्य का करने का क्या महत्व है, ये सारी बातें फाइल में लिखी जानी चाहिए। व्यक्तिगत गतिविधियों की फाइल प्रत्येक माह महाविद्यालय में दिखाई जाएगी और चेक करानी होगी। 20 फरवरी 2021 तक के कार्यों का विवरण इसमें होगा और जब परियोजना समाप्त हो जाए अर्थात 20 फरवरी 2021 के बाद जैसा निर्देश प्राप्त हो सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी फाइल महाविद्यालय में मूल्यांकन हेतु जमा करनी होगी। मूल्यांकन के जो अंक हैं अर्थात जितने अंक प्राप्त होते हैं उन अंकों को विद्यार्थियों की परसेंटेज में जोड़ा जाएगा
मेरा तात्पर्य है कि जो अंक आनंदम परियोजना में विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे वो अंक कुल प्राप्तांक को प्रभावित करेंगे, उसमें जोड़ जाएंगे और इस प्रकार उनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। फाइल में फोटो लगाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोटो के लिए, फोटो से तात्पर्य है जो कार्य किया गया है उस कार्य की फोटो, कार्य भी हो और साथ में विद्यार्थियों को फोटो में कार्य करते हुए दिखाया गया हो, तो फाइल में की जाने वाले कार्य के फोटो के लिए 10 अंक आवंटित हैं, 10 अंक निर्धारित हैं। यदि फाइल में फोटो नहीं होंगे तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि फोटो के 10 अंक जो निर्धारित हैं उन अंकों को हटाकर मूल्यांकन किया जाएगा परियोजना का। तो इसलिए परियोजना के लिए, परियोजना के मूल्यांकन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थी फाइल में किए गए कार्य के साथ अपने फोटो अवश्य लगाए। दूसरी गतिविधियां जो आनंदम परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं वे हैं सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक गतिविधियों हेतु विद्यार्थियों को समूह में रहते हुए ग्रुप लीडर के निर्देशन में कार्य करना होगा। महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध वर्ष के विद्यार्थियों को पहले तो ग्रुप्स में बांटा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप का एक ग्रुप लीडर नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। ग्रुप लीडर ऐसा विद्यार्थी होगा जिसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना आता हो, जो व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक सक्रिय रहता हो, जिसे व्हाट्सएप की बारीकियों का ज्ञान हो, ऐसा विद्यार्थी ग्रुप का लीडर बनाया जाएगा। ग्रुप लीडर अपने अपने ग्रुप की गतिविधियों का विवरण फाइल में फोटो के साथ लिखेंगे। अर्थात ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारी है कि वो फाइल तैयार करेगा, उस फाइल में अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के नाम लिखेगा, उनके मोबाइल नंबर लिखेगा, व्हाट्सएप नंबर लिखेगा, उनका पता लिखेगा और यदि किसी सदस्य से कोई शिकायत है उन विद्यार्थियों का नाम भी लिखेगा जो ग्रुप में सहभागिता नहीं कर रहे हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और साथ ही उन विद्यार्थियों का भी नाम लिखेगा जो ग्रुप में विशेष रूप से सहभागिता कर रहे हैं। ये सारे काम ग्रुप लीडर के द्वारा किए जाएंगे। ग्रुप की फाइल ग्रुप लीडर के पास ही रहेगी। ग्रुप लीडर अपने ग्रुप में सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। अर्थात ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसका एडमिन ग्रुप लीडर स्वयं होगा।
ग्रुप लीडर व्हाट्सएप के माध्यम से सभी सदस्यों से निरंतर संपर्क में रहेंगे। इसके साथ साथ महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप लीडर अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ उपस्थित रहेगा। सामूहिक गतिविधियों का मूल्यांकन ग्रुप में किए गए कार्यों, आनंदम दिवस पर ग्रुप के सदस्यों की उपस्थिति, आनंदम दिवस पर ग्रुप के सदस्यों की सहभागिता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जिस ग्रुप के सदस्य उपस्थित होंगे अधिक से अधिक, उस ग्रुप को ज्यादा अंक मिलेंगे। जिस ग्रुप की फाइल अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छी होगी, उस ग्रुप को अधिक अंक मिलेंगे। और जिस ग्रुप के सदस्य आनंदम दिवस के अवसर पर पूर्ण सहभागिता देंगे, उन्होंने किस किस कार्य को किया, किन परिस्थितियों में किया, किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई, उस कार्य को करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, उस कार्य को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, समाज को उस कार्य की सहायता से किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में जिस ग्रुप के सदस्य आनंदम दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, उस ग्रुप को अपेक्षाकृत अधिक अंक दिए जाएंगे। दोनों ही प्रकार की गतिविधियों को मिलाकर आनंदम परियोजना का पूर्णांक 100 है और इसमें जो प्राप्त अंक होंगे, इसमें जितने अंक विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के आधार पर, उन अंकों को प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा और साथ ही प्रतिशत में भी जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आनंदम परियोजना न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए एक अच्छा विषय है, अपितु प्राप्तांक की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से भी ये विषय एक बहुत ही अच्छा, आनंददायक, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वो आनंदम परियोजना से जुड़ें, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और जो इसके लिए निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार की गतिविधियों में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आनंद के साथ भागीदारी करें और इस प्रकार अपने प्राप्तांक प्रतिशत को भी बढ़ाने का श्रम करें।